मैं सुबह ज्ञान सागर विद्या मंदिर 20% अनुदान स्कूल में पढ़ाने का काम करता हूँ। सुबह मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, 7 बजे से 12:30 बजे तक पढ़ाता हूँ। बाद में दोपहर 2 घंटा आराम करके रिक्शा चलाता हूँ मेरे परिवार के लिए। मेरी इसके पीछे एक कंसेप्ट है, लोग भगवान के यहाँ मंदिर में जाते, फूल चढ़ाते, नारियल चढ़ाते, उससे मुझे अच्छा लगता है कि मेरे रिक्शा में मैं जो कोविड पेशेंट बिठा के अस्पताल तक लेके जाता हूँ, ये मेरा पुण्य का काम है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सुबह 7 बजे से शाम 5-6 बजे तक मैं ऑटो चलाता हूँ, दोनों भी काम करता हूँ, सवारी भी लेके जाता हूँ, कोविड पेशेंट भी लेके जाता हूँ, फिर आने के बाद सोता हूँ। रात को भी ज़्यादा करके रात को फोन आता है, रात को भी लोगों को ज़रूरत होती है, क्योंकि स्लम एरिया में एम्बुलेंस टाइम पे नहीं जाता, प्राइवेट गाड़ी वाला कोई आता नहीं, इसलिए रात के समय में जाता हूँ, पेशेंट को जहाँ चाहिए वहाँ लेके जाता हूँ। ये बीमारी को सब लोग डरते हैं, लेकिन सब डरेंगे तो कोविड कैसा दूर हो जाएगा, इसलिए हर एक इंसान ने एक काम में आना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए, कोरोना पेशेंट को सहायता देना चाहिए, तो ऐसा करेंगे तो हमारे देश का जो कोविड रुग्ण है ये अच्छी तरह से बच जाएगा, उसको इलाज आएगा पाएगा, ये मेरे लिए खुशी की बात है।